खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिरों में रुमाना एसआर खान। उन्नाव रेप कांड की पीड़ित जिंदगी की जंग लड़ रही है। सड़क हादसे में बुरी तरह जख्मी हुई पीड़ित वेंटिलेटर पर है और आरोप एक बार फिर बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर, जो नाबालिग के साथ 2017 में रेप करने के आरोप में फिलहाल सलाखों के पीछे है। संविधान की शपथ में आज बड़ा सवाल यही है, रेप हत्या का आरोपी बीजेपी में क्यों है? और ये सवाल इसलिए क्योंकि देखिए, खुशी खुशी बीजेपी कुलदीप सिंह सेंगर को ढो रही है। एक विधायक पहले रेप का आरोपी बना, अब रोड एक्सीडेंट की साजिश का मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है। और ये उस पार्टी का हाल है जिसका बुराई के खिलाफ सिद्धांत साफ है। क्या होगा अगर एक विधायक कम हो जाएगा? तो जब सिद्धांत इतना पाक है तो सेंगर जैसा नापाक नाम क्यों आज तक बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है? जिंदगी के लिए उन्नाव रेप पीड़िता की जंग। ट्रक हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हुई थी पीड़ित। हादसे में पीड़ित की चाची मौसी की मौत। बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर पर रेप और हत्या का आरोप। योगी मुख्यमंत्री और उसके कार्यकाल में ऐसी घटना हो जाए, आखिरकार जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार पुलिस है, जिम्मेदार सरकार है, तो आखिरकार सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? उन्नाव रेप पीड़ित के लिए न्याय की मांग तेज। गृह मंत्री जी सदन में आए और गृह मंत्री आने के बाद ये बयान पेश करे, हमारे पीड़िता के ऊपर इस तरीके की दर्दनाक शर्मनाक घटना घट रही है। वर्तमान अध्यक्ष से मेरी बात हुई, वो पहले से निलंबित हैं और निलंबित हैं। विरोध में संसद परिसर में धरने पर बैठे सांसद। लखनऊ में अस्पताल के बाहर योगी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठा पीड़ित परिवार। पीड़ित परिवार की मांग, आरोपियों को सख्त सजा मिले। क्या हो रहा जांच? उसका कुलदीप को कितनी बार बचाया गया, कितनी बार वो बचाया जा रहा है? योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीबीआई के बारे में पहले से ही जांच चल रही है और पीड़िता पक्ष के जो लोग हैं, परिजन हैं, उनके कहने से फिर से जांच का सीबीआई की जांच की संस्तुति प्रदेश सरकार ने कर दी है। संविधान की शपथ में आज का सवाल, रेप हत्या का आरोपी विधायक बीजेपी में क्यों? और अब देखिए, ये जो आज का मुद्दा है, इस पर देश का संविधान क्या कहता है, संविधान के दायरे को समझिए। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा आपके लिए लेकर आए हैं, संविधान की 7वीं अनुसूची के मुताबिक कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, इसीलिए अपराध रोकना, केस दर्ज करना और जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपी को सजा दिलाना राज्य सरकार का कर्तव्य है। यह है संविधान का दायरा जिसके तहत हम चर्चा करेंगे। आज की इस चर्चा में खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बीएसपी नेता धर्मवीर चौधरी आज की इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। योगी गाथा किताब के लेखक शांतनु गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, समर्थन में हैं ये योगी सरकार के। अभिषेक सोम समाजवादी पार्टी के समर्थक भी आज की इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ आशुतोष मिश्रा हैं, पूर्व पत्रकार, इकोनॉमिक टाइम्स के साथ जुड़े रहे हैं। ये योगी के विरोध में यहां पर अपना स्टैंड लेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। एक एक मिनट का समय कार्यक्रम के शुरू में मैं सभी मेहमानों को दूंगी। और शुरुआत प्रेम शुक्ला जी मैं आपसे करती हूँ। सर, सवाल बड़ा सीधा है, आरोपी विधायक बीजेपी में क्यों है? एक मिनट शुरू होता है अब। ये भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नहीं, आरोपी विधायक का के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, किसी भी दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी को किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस मामले में भी सीबीआई जांच पहले से ही उस पर चल रही है। अभी जिस दुर्घटना की बात हो, उस दुर्घटना में भी किसी प्रकार का षड्यंत्र है या नहीं है, इसकी भी जांच करने के लिए सीबीआई को मामला सौंपा गया है। कोई भी यदि उसमें दोषी है तो उसको किसी प्रकार से भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जाएगा। अपराधी योगी जी की सरकार के दृष्टि में अपराधी है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी पीड़िता के साथ किसी प्रकार का इस तरह का दुष्कर्म करने का प्रयास करता, उसको दंड देना, ये दंड दिलाना सरकार का दायित्व है। और उस दायित्व बोध के तहत योगी जी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
एक मिनट के भीतर आपने अपनी बात पूरी कर ली। धर्मवीर चौधरी जी, सरकार संरक्षण देगी नहीं, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी निकालेगी भी नहीं सेंगर को। एक मिनट शुरू होता है। रोमाना जी, शुरू से इस केस में बीजेपी जो लीपापोती कर रही है, और ये जो माफिया का गठजोड़ है, राजनीतिक माफिया, शासन का माफिया, पुलिस का माफिया, ये पूरी तरह से संरक्षण कुलदीप सेंगर को दिया जा रहा है। एक लड़की, एक मासूम लड़की, एक नौकरी के लिए उसके पास गई थी और एक महीने में उसका अपहरण करके रेप किया जाता है और पुलिस की उसकी FIR दर्ज नहीं करती है और उसको आत्मदाह करने के लिए मुख्यमंत्री के निवास पर पहुंचना पड़ता है। ये बेहद शर्मनाक और लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक बात है, और बीजेपी के लोग और पुलिस प्रशासन इस पर जो लीपापोती कर रहा है, ये उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात है। प्रेम शुक्ला जी हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने निलंबन की कार्रवाई की है। ऐसे अपराधियों को, बलात्कारियों को बीजेपी कब तक अपनी पार्टी में रखेगी? आज तक उसको पार्टी से नहीं निकाला गया, और आज तक जो है योगी का प्रशासन और शासन उसको बचत कर रहे हैं उसकी। कल DGP का बयान चल रहा था कि ये एक मामूली सी दुर्घटना है, इसको हम ऐसे देखेंगे, उसको हम वैसे देखेंगे। भला हो मीडिया चैनल कर्मियों का, मीडिया हाउस का, जो उन्होंने जो है इसको उठाया मुद्दे को। ठीक है, एक मिनट हो गया सर, एक एक मिनट शुरू में सबको दे रही हूँ, और सबसे गुजारिश आराम से अपनी बात रखिएगा, चिल्लाइएगा मत, आराम से बोलेंगे तो दर्शक भी बेहतर सुन पाएंगे। शांतनु, आपके पास आ रही हूँ। रेप और अब तो हत्या का आरोपी भी, ये विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी में क्यों है? देखिए रोमाना, ऐसी जब भी कोई घटना होती है तो भारत का जो लाइवली लोकतंत्र है, भारत जो विकास की तरफ बढ़ रहा है, दोनों गतियां शर्मसार होती हैं। और मेरे ख्याल से इस समय चीखा चिल्ली का समय नहीं है, राजनीति का समय नहीं है। हर पार्टी को देखना होगा कि कैसे वो क्रिमिनल्स को अपनी पार्टी से दूर रख सकते हैं। भाजपा पे, क्योंकि भाजपा उत्तर प्रदेश में भी शासन में है, केंद्र में भी शासन पे है, शायद ये जिम्मेदारी ज़्यादा आती है। भाजपा काफ़ी गति से बढ़ रही है, बहुत सारे विधायक सांसद भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं भाजपा के बहुत सारे लोगों को पर्सनली जानता हूँ, मिलता हूँ, जो भाजपा के पुराने कैडर से आते हैं। वो लोग अमूमन जब मैं मिलता हूँ तो अलग बड़े चरित्रवान लोग होते हैं, लेकिन जब बाहर से आदमी आता है, आपकी विचारधारा से नहीं होता है, जो कुलदीप सेंगर के केस में भी है, मैंने देखा उनका इतिहास, वो कभी सपा में थे, बसपा में थे। तो भाजपा को देखना पड़ेगा, जब वो किसी को ले रहे हैं तो उसका क्या चरित्र है। लेकिन 15-20 साल से जो मैंने यूपी को देखा है और मैंने अपनी किताबों में लिखा है, 15-20 साल से ऐसा शासन नहीं दिखता था कि 24 घंटे में एक MLA के खिलाफ FIR हो। सरकार खुद कहे कि CBI बुलाई गया। एक मिनट हो गया, आइए आशुतोष सोमजी, अभिषेक सोमजी, आपसे जानना चाहती हूँ सर कि आखिरकार जिम्मेदारी कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में क्यों नहीं निभा रही है योगी सरकार, जिसकी तारीफें यहां पर शांतनु कर रहे हैं बैठकर। देखिए, उत्तर प्रदेश की आज जो सरकार है सवालों में घिर चुकी है, पूर्ण रूप से वो असफल हो चुकी है। प्रदेश की जनता का उत्तर प्रदेश की सरकार से भरोसा उठ चुका है। बच्चियाँ, लड़कियाँ, कोई भी सुरक्षित नहीं है। खुद को, हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। एक लड़की जिसने अपने ताऊ को खोया, उसने अपने परिवार, अपने पिता को खो दिया, अपनी चाची, मौसी, आज वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है, और ये एक राजनीतिकरण कर रहे हैं। दूसरी बात, जो महिला सांसद जो चिल्ला रही थी, आज उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, अभी कुछ दिन पहले जो पूर्व में जो घटना हुई थी, जो महिला सशक्तिकरण की बात कर रही थी, आज वो महिलाएं TV पर आने को तैयार नहीं है, कोई उसके पक्ष में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, ना उस लड़की के साथ, ना उत्तर प्रदेश की पुलिस है, ना ही सरकार है, ना ही कोई कानून व्यवस्था है। मैं तो आपसे, आपके माध्यम से पूरे देश में ये अपील करना चाहता हूँ, केंद्र की सरकार से भी, उनको केंद्र की सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए, और 50 लाख रुपए पीड़ित परिवार को मुआवजा भी देना चाहिए। एक मिनट हो गया, आशुतोष मिश्रा जी, आपको क्या लग रहा है फिलहाल बीजेपी का रुख आपकी नजर में क्या है? बीजेपी उन्नाव की बेटी, उस पीड़ित लड़की के साथ, या फिर आरोपी MLA कुलदीप सिंह सेंगर के साथ? यहाँ पे जब आप जो है भाजपा के सांसद को आरोपी के साथ देखते हैं, तो संकेत मिलता है कि दाल में कुछ काला है, या शायद पूरी दाल ही काली है। और ये नए भारत की नई पद्धति दिख रही है, न्याय पद्धति दिख रही है, जिसमें अगर आप अपराधी का जो है सत्ता दल से कोई संबंध होता है, तो या तो गवाह जो है पलट जाते हैं, या जो गवाही और आरोप जो है प्रस्तुत किया जाता है कोर्ट में, वो कमज़ोर होते हैं। और इसका हम पहले भी उदाहरण देख चुके हैं, सोहराबुद्दीन केस और समझौता केस में।
दुर्भाग्यवश जो है उन्नाव रेप पीड़िता के केस में जो आरोपी है उसको ये लगा कि सड़क हादसा जिसमें पीड़िता और गवाह दोनों रास्ते से हट जाएं ज़्यादा आसान तरीका है। यहाँ पर जो है आप ये देखिए कि पीड़िता ने अभी दो हफ्ते पहले जो है चिट्ठी लिखी थी सुप्रीम कोर्ट को, और जो है उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो जाता है। ये चिंता का विषय है कि उत्तर प्रदेश में एक मिनट हो गया सर की क्या हालत है। एक मिनट हो गया सर, दोबारा आऊंगी आपके पास। सवाल है तो एक मिनट हो गया सर, दोबारा आऊंगी आपके पास। बेटी मैं चर्चा खोल रही हूँ, मैं अब चर्चा खोल रही हूँ और मुझे जाना होगा प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, मोटे तौर पर जो सामने निकल कर आ रही है बात वो ये कि उन्नाव की बेटी का जो गुनहगार है बीजेपी ने उसे गोद में बिठा रखा है। क्यों? बीजेपी ने बिल्कुल गोद में नहीं बिठाया, निलंबित किया। कोई भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी थोड़े है कि अतुल राय जैसे व्यक्ति को बलात्कारी को एमपी बनाकर माथे पे लटका के चले। कोई समाजवादी पार्टी थोड़े है कि गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी को जो है सुप्रीम कोर्ट से FIR दर्ज करने के आदेश देना पड़े। इस मामले में CBI की जांच तत्काल हुई, FIR तत्काल हुई, तत्काल CBI को फिर से जांच जो है दुर्घटना की भी सौंपी गई जिसमें षड्यंत्र कई बू आ रही है। ऐसे में जो पूरी भारतीय जनता पार्टी आप मुख्यमंत्री प्रेम शुक्ला जी जाकर जो है प्रेम शुक्ला अगर, अगर ट्रॉमा सेंटर प्रेम शुक्ला जी में खड़े होते हैं प्रेम शुक्ला जी साफ तौर पर हम पीड़िता के साथ खड़े हैं। प्रेम भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रेम शुक्ला जी पीड़िता के साथ खड़ी है, इसके स्पष्ट कहाँ खड़ी है सर। फिर भी प्रेम शुक्ला जी कहाँ खड़ी है? प्रेम शुक्ला जी आप कहे जा रहे हैं, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। कैसे नहीं खड़ी है तो बताइए रोमाना। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, बताइए आप मुझे रेप कब हुआ था? हाँ बताइए, रेप कब हुआ था सर? सुना नहीं, उसकी उसकी कंप्लेंट के तत्काल बाद CBI जांच हुई कि नहीं हुई? कब हुई CBI जांच? कब हुई सर CBI जांच? तारीख बताइए ना आप मुझे। उसकी कंप्लेंट रेप हुई है? रेप हुआ उसका जून 2017 में, उसने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी अगस्त 2017 में, और सर हाईकोर्ट को 2018 अप्रैल में हाईकोर्ट को कहना पड़ा सर आपकी योगी सरकार को कि गिरफ्तारी कब करोगे सर? नहीं, आपकी योगी सरकार को हाईकोर्ट को कहना पड़ा सर? सर पॉक्सो के अंदर, पॉक्सो के अंदर कैसे FIR दर्ज होती है आपको पता या नहीं पता है सर? उस लड़की को रिसना पड़ा, उस लड़की को दर दर भटकना पड़ा अपनी FIR लिखवाने के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको, यहाँ पर बैठकर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आइए धर्मवीर जी और दिखाइए सच का आईना। झूठ बोलने वालों को 18 अप्रैल 2018 में हम राहुल गांधी बलात्कार के एक साल तक सरकार कान में तेल डाल के सोती रही। एक एक मिनट में एक छक्के पर प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जान पर करोड़ों रुपए खर्च के बाद में ये प्रेम शुक्ला जी को शर्म नहीं आ रही है? और ये आप बेचारी नेता रोड पे बैठे हुए हैं और राजनीति कर रहे हैं कि इनकी सरकार जो है काम कर रही है, इनका DGP कुछ स्टेटमेंट देता है, एक ट्रक जो है 3-3 जनपदों को क्रॉस करके आता है, उसके नंबर पर काली कुत्ती मुस्कुराई है, अगर कोई और उसको अपना कोई एजेंडा हो वाला, कोई योगी वाला, की सरकार को बदनाम करने का और रॉन्ग साइड में आकर के तो कोई बात नहीं। यदि हम काल पर चल जाता है और प्रेम शुक्ला जी बचाव करना सरकार का, हमको शर्म आनी चाहिए। यह बेशर्मी की बात है प्रेम शुक्ला जी, टीवी चैनल पर लाने गए और उस बलात्कारी विधायक को कौन पार्टी से बात कर रहे हैं? अतुल राय को जरा निकलवा के दिखाओ ना, आप बसपा के नेता है ना, सुश्री मायावती से जरा कहे कि जरा बसपा से निकलवा के दिखाओ, आपको निकलना मंत्री में बाहर निकालिए। प्लीज रुकिए, और जो है धर्मवीर जी प्लीज रुकिए, धर्मवीर जी प्लीज रुकिए, धर्मवीर जी प्लीज रुकिए। प्रेम शुक्ला जी ठीक है हो गया सर, मुझे शांतनु के पास जाना होगा। शांतनु, शांतनु मुझे समझाइए, अगर मैं पीड़ित लड़की के पक्ष में सवाल पूछती हूँ तो योगी सरकार के खिलाफ उसे एजेंडा क्यों कहा जाता है? क्यों प्रेम शुक्ला यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं अगर मैं पीड़ित लड़की के पक्ष में सवाल पूछूं तो योगी सरकार के खिलाफ एजेंडा है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ शांतनु। रोमना जी जो मुझे सुनाई दे रहा है, जो प्रेम शुक्ला जी बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो मुझे सुनाई दे रहा है, ये भी बताइए शांतनु किस तरीके से इस मामले में गुमराह किया जा रहा है, इस मामले में उस लड़की को कितना भटकना पड़ा FIR के लिए, उस लड़की को किस तरीके से इंसाफ की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, ये बताइए। उसके पिता की मौत हो गई, उसके पिता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी थी आप लोगों ने? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैंने शुरू से भारत के लोकतंत्र को, भारत के लोकतंत्र को शर्मसार करता है
देखिए 15-20 साल से आप लगातार बोले जा रहे हैं उन्नाव की बेटी का सवाल है सर, जरा आराम से अपनी ईगो को पीछे रखकर, अपनी सरकारों के हितों को पीछे रखकर जरा सा बच्ची के बारे में सोचिए सर। नाबालिग वो लड़की जब उसका रेप हुआ था और तब कैसे उसको घिसना पड़ा था, इंसाफ के लिए आज वो लड़की तन्हा है, वो सांसें ले रही है वेंटिलेटर पर, अपनी सांसें नहीं चल रही है उसकी वेंटिलेटर के जरिए, वो जिंदा है लड़की अभी। आप समझ रहे हैं कितना गंभीर ये मामला, और यहाँ पर बैठकर आपको अतुल राय और बीएसपी और समाजवादी पार्टी याद आ रही है। प्रेम शुक्ला शर्मा, मैं फिर ये कहूंगी शर्मा कम कीजिए आवाज प्रेम शुक्ला की। आइए शांतनु, आप रोमाना जी जो मुझे सुनाई दे रहा है वो ये है कि 15-20 साल से बहुत कानून की लचर व्यवस्था योगी के हाथ में आई है, जहां पे लोकल पुलिस एमएलए बाहुबली उनके हाथ में मिली रहती थी, ना कंप्लेंट लिखती थी गरीब की ना दुखियारे की, लेकिन जब वो मामला मुख्यमंत्री के पास पहुंचा तब कंप्लेंट हुई। पहली बार मुख्यमंत्री के पास पहुंचा, ऐसा कभी बहुत देखने को कभी कभी रेयर मिलता है कि कोई स्टेट कहे कि सीबीआई की जांच करें। हम देखा करते थे ये वो उत्तर प्रदेश है, ये वो उत्तर प्रदेश है जहां जहां शांतनु एक फैक्ट मुझे रखने दीजिए। ये एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह, इन्होंने हाईकोर्ट को बताया था कि 17 अगस्त 2017 को इस पीड़ित लड़की ने पहली चिट्ठी लिखी थी योगी आदित्यनाथ को, सीएम साहब को, पता है ना आपको। और केस कब हुआ है? बिल्कुल, केस कब हुआ है सर, आप मुझे बताइए। रोमाना, अगर उस बीच में क्या क्या हुआ इस लड़की के साथ, आप मुझे बताइए। और आप यहाँ पर कसीदे पढ़ना सर बैठकर, सब राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके नैरेटिव से नहीं फिट कर रहा है तो आप मुझे मत, ये मेरा नैरेटिव नहीं है सर, मुझे बोलने नहीं दे रहे, मेरा नैरेटिव नहीं है, ये फैक्ट्स है जो मैं रख रही हूँ आपके साथ। ओवर शैडो कर देंगे, फैक्ट्स पर बात रखिए ना। मैं रख रहा हूँ ना। आप मुझे बताइए अगस्त 2017 और FIR कब हुई है, और हाईकोर्ट को क्यों इसमें स्वतः संज्ञान लेना पड़ा? मैं बोलूं, आपने इस प्रश्न को 3 बार दोहरा लिया, उत्तर तो ले लीजिए। देखिए, किसी भी मुख्यमंत्री कार्यालय में एक एक दिन में लाखों छुट्टियां आती हैं, हो सकता है कि वो छुट्टी नहीं 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 पहुंच पाए मुख्यमंत्री तक, लेकिन जब लड़की मुख्यमंत्री तक के पास पहुंची तो तुरंत कार्रवाई हुई। पहली बार ट्वीट से देश चलेगा, हमारा एक फिक्सेशन है कि ट्वीट से देश चलेगा, ऐसा नहीं, संविधान की धज्जियां से देश चलेगा। हमारी मायावती तो ट्विटर पे थी नहीं तो क्या देश नहीं चल रहा था, तो राज्य नहीं चलाती थी। बहुतों से देश चलेगा, बलात्कारों से देश चलेगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य सरकारें खुद कह रही है सीबीआई लाए। ऐसा हुआ करता था कि राज्य सरकारें सीबीआई को भगाया करती थी, दबाव के बाद ढूंढा करती थी। कैसे दबाव के बाद राज्य सरकार को झुकना पड़ा? दबाव किसका दबाव है? किसका दबाव है? अगर मैं कहता हूँ, आपको चैलेंज देता हूँ, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, दबाव क्यों नहीं है? सोम साहब, क्यों नहीं मिल रहा है उन्नाव की बेटी को इंसाफ? देखिए, देश की सबसे बड़ी घटना है, फिल्मों में भी ऐसा नहीं होता है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सके, और उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से असफल हो चुका है। मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, और नैतिक उससे वो अपनी जिम्मेदारी समझे, और इसमें उनको खुद स्वीकार करना चाहिए कि हमारी सरकार इस मुद्दे पर फेल रही है। नैतिक जिम्मेदारी, बिल्कुल शुक्ला, नैतिक जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सोम साहब जो है वो कह रहे हैं नैतिक जिम्मेदारी, मैं इस पे सवाल ये जोड़ देती हूँ सर, कम से कम पार्टी नैतिक जिम्मेदारी समझ ले और पार्टी से बाहर का रास्ता तो दिखा देना सेंगर को। ऐसे क्या सुरखाब के पंख लगे हुए हैं सेंगर में कि उसे पार्टी जो है वो अपने से सहेज कर रखना चाहती है, उसे पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखा रही है, क्यों? नहीं, कई बार लोग जो है उनकी जीवा बहुत तेज चलती लेकिन करण पटल काम नहीं करते हैं। स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि निलंबन की प्रक्रिया है, निलंबित कर दिया गया एक,
और ये कोई समाजवादी पार्टी थोड़ी नहीं, निलंबित तो पहले ही कर दिया गया वो था। वो बच्ची मुख्यमंत्री के दरवाजे पर बार बार गुहार लगाती रही, जनता दरबार में मिलती रही, उसे न्याय नहीं मिला, तब जाके उसने आत्मदाह का प्रयास करा, तब जाके आपका प्रशासन जागा, प्रशासन जागा चलती है, उसके निलंबन की प्रक्रिया क्यों हत्या हुई, उसके पांव की हत्या हुई, उसके आज वो खुद जिंदगी और मौत से लड़ रही है, तब एक डेढ़ साल के अंदर तब भी उसको न्याय नहीं मिला। अगर आपका प्रशासन सख्त होता बिल्कुल तो आज उसके साथ नहीं घटी होती, आज उसके अपने उसके साथ होते, पूर्ण रूप से आपकी सरकार असफल है और मुख्यमंत्री जी को मानना चाहिए कि वो इस मुद्दे पर असफल है, क्योंकि हम कार्रवाई कर रहे हैं लोगों के खिलाफ। प्रेम शुक्ला जी, निलंबित तो पहले ही कर दिया गया था सर, अब तो रेप का भी उस पर आरोप लग गया है, हत्या का आरोप लग गया, माफ कीजिएगा, रेप के आरोप के बाद ही निलंबित कर दिया गया था, निष्कासन कब किया जाएगा, मैं ये जानना चाहता हूं। निष्कासन की प्रक्रिया, हाँ ये वो संवैधानिक प्रक्रिया, निष्कासित भी किया जाएगा संवैधानिक प्रक्रिया से, ये कोई एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, एक संविधान से चलता है, निष्कासन की प्रक्रिया भी होगी, यहाँ पार्टियों को संरक्षण नहीं दिया, अखिलेश सिंह यादव जैसे अपराधियों का दल नहीं है, बहुजन समाज पार्टी जैसे अपराधियों का दल नहीं है, कांग्रेस जैसे अपराधियों का दल नहीं है, ये नीतिमत्ता से चलने वाला उत्तम नेतृत्व स्वच्छ कारभार करने वाला दल है, यहाँ अपराधी को संरक्षण की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अपराधी पीटे जा रहे हैं कि अपराधी का कोई संरक्षण नहीं करेगा, तो डर लगता है अभी अभी आप राजस्थान की सरकार में एक महिला के साथ बलात्कार पुलिस वालों ने कर दिया और बलात्कार का मामला कहाँ है, कोई चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि लोग जो जानते हैं कि कांग्रेस कुकर की अपेक्षा है, बहुजन समाज पार्टी से बलात्कार की संरक्षण में पेश करूं प्रेम शुक्ला जी के सामने, हमारे लड़की का चाचा झूठे केसों में जेल के अंदर बंद है, जिससे वो बच्ची मिलने जा रही थी, और प्रेम शुक्ला जी लंबी लंबी कहानी सुना रहे हैं इधर से उधर की, अरे कितनी लीपापोती करेंगे प्रेम शुक्ला जी, ये एक आदमी की पार्टी नहीं है, ये सिर्फ दो लोगों की पार्टी है, और ये गुजरात से लाख की संपत्ति है, आप लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, और आप मुझे ये बताइए डबल इंजन की जो सरकार आपकी चल रही है, सीबीआई के अधीन ये मुकदमा है, फिर भी तीन तीन हत्याएं हो रही है, सीबीआई ने कितने लोगों को अरेस्ट किया, चार पुलिस वाले और एक दरोगा के अलावा वो किसी के गिरेबान को नहीं पकड़ पाती, सीबीआई भी फेल है, गुंडे को उत्तर पुलिस फेल है, न्याय के लिए आखिर जाए तो जाएगा, पीड़ित पक्ष को न्याय कैसे मिलेगा, आराम से आराम से, अब मैं आशुतोष जी के पास जाऊं, रोमा जी चिल्लाइए, आप लगातार चिल्ला रहे सर, यहाँ चिल्लाने का कंपटीशन नहीं है, और मैं तो बिल्कुल यहाँ चिल्लाने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं आशुतोष जी का रुख कर रही हूँ, आशुतोष जी मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर, कि एक विधायक कम हो जाएगा क्या फर्क पड़ता है, ये सिद्धांत है बीजेपी का बुराई के खिलाफ, लेकिन सेंगर के मामले में पार्टी इस सिद्धांत पर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही, बड़ी हुई है हम कोई क्या राहुल गांधी पार्टी थोड़े हैं, समझती हैं कि जिस आदमी के साथ जो है सांसद जाने के मुद्दा है वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा तो उसको पार्टी बचाएगी नहीं, ये तो जो है यहाँ पे एसपी बीएसपी और वो करते रहेंगे, अब देखिए अगर इनकी नीयत देखिए इनकी पार्टी की, तो पिछली लोकसभा में पार्लियामेंट्री पैनल ने ये कहा था कि जो निर्भया फंड बना है मोदी सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है, उससे जो है बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, यूपी की सरकार जिसके की बारे में इतना महिमा मंडन हो रहा है, उसको जो है 1 करोड़ रुपए मिले कि जो है वुमेन हेल्पलाइन खोले, उसने उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो ये अभी पिछले जो है इसी संडे को अमित शाह ने कबूल किया कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि वो इसके बावजूद कई लोगों ने कहा कि ये उसके योग्य नहीं है, तो यहाँ पे जो है और इसलिए बनाया गया क्योंकि योगी जी की निष्ठा जो है भाजपा के साथ थी, तो जिसकी निष्ठा भाजपा के साथ हो उसको चाहे जो है बलात्कारी हो चाहे अनुभव ही मुख्यमंत्री हो उसके साथ लगाया जाएगा, यहाँ पे जो है बात बड़ी से पार्टी टिकट बंटवारे में ना विनेबिलिटी का फैक्टर लेकर आती है, इसी वजह से क्या कार्रवाई को लेकर भी इसी फैक्टर को देखकर होती है, क्योंकि हमने देखा प्रणव सिंह चैंपियन उनका तो पता नहीं 2-3 साल पुराना वीडियो था, वो वीडियो सामने आया और फौरन ही 6 साल के लिए उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया, अब ये कुलदीप सेंगर है,
ये कुलदीप सेंगर है जिसे पार्टी से निलंबित किया जा चुका है, बावजूद इसके चुनाव जीतने के बाद उन्नाव के एमपी साक्षी महाराज जेल में जाते हैं इसको थैंक यू बोलने के लिए। और कल जब उन्नाव के एमपी से पीड़ित लड़की के बारे में सवाल पूछा जाता है एक्सीडेंट के बाद, तो वो कुछ नहीं बोलते, कहते मामला सीबीआई के पास है। ये जो रवैया है जिससे कहीं ना कहीं संदेश ये जाता है कि आप तो साहब जो आरोपी विधायक है उसी के साथ खड़े नजर आ रहे हो, आप तो उसी का संरक्षण कर रहे हो। तो सब कुछ आ जाता है चुनाव जीतने पर कि चुनाव कैसे जीता जाए, भले ही लोकतंत्र जो लोकलाज से चलता है उसे आप ताक पर रख दीजिए। शांत रोमाना, भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है, उन्होंने सीबीआई की इंक्वायरी करी, वो जेल में है। 24 घंटे पहले एक और हादसा हुआ, उसमें षड्यंत्र है नहीं है, फिर एफआईआर हो गई। आप कैसे कह रही हैं कि वो हैंड इन ग्लव है और वो पार्टी से निष्कासित भी है? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, निष्कासित नहीं, देखिए एक प्रक्रिया होती है, एक प्रक्रिया होती है, जैसे मैंने बताया एडीआर का भी डेटा मैंने देखा, मुझे बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। आप ही अकेले अकलमंद नहीं बैठे यहाँ पे, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, अकल आपके चिल्लाने से नहीं आई। मुझे निलंबन और निष्कासन में बिल्कुल फर्क पड़ा है। आशुतोष, इस समय रोमाना अगर आप एडीआर का डेटा देखें तो आधे से ज्यादा सांसदों पे कुछ ना कुछ आरोप है, संगीन आरोप है। आपके सबको निकाल देंगे, सबको पार्टी से निकाल दीजिए। देखिए ऐसे नहीं होता, हर चीज की प्रक्रिया होती है, कभी कोर्ट लॉ बने, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम मीडिया में एक आरोप फेंकेंगे और सीधे जेल में डाल देंगे, कोर्ट को बंद कर दीजिए। हाँ। यहीं पे रोमाना का कोर्ट चलेगा केवल, चौधरी साहब अपने घर में कोर्ट चलाएंगे। देखिए एक प्रक्रिया होती है, पहले निष्कासन किया है, जैसे ही आरोप सिद्ध होगा निलंबित करेंगे। हमने देखा है इतना बड़ा नेता को केवल एक ट्विटर के कैंपेन से मंत्री पद खोल दिया, ऐसा मैंने केवल भाजपा में देखा। आपको उदाहरण कौन कौन करिए, मैं तो कह रहा हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे मूवमेंट देखने चाहिए और फिल्टर करना चाहिए। जिस दिन अफजल अंसारी ने मनोज सिन्हा को हराया था, मुझे बहुत दुख हुआ। यहाँ पर रोमाना बैठी हुई है संविधान की किताब लेकर, रोमाना की कोर्ट चल रही है क्या? मैं कहती हूँ नहीं साहब, मैं संविधान से ये कार्यक्रम कर रही हूँ और संविधान जीने का अधिकार देता है। उस लड़की की तो जान जा रही है, वो तो वेंटिलेटर पर है, और शांतनु मुझे यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं कोर्ट चला रही हूँ यहाँ पर। दूसरी बात, यही संविधान जो है ना, वो आरोपी को सजा दिलाने की जिम्मेदारी किसे देता है? राज्य सरकार को देता है। जो राज्य सरकार हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ा, पहले हाईकोर्ट को योगी सरकार से कहना पड़ा गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे, सरकार ने करी। उसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को बोला हिरासत में नहीं गिरफ्तार करो, ये हाईकोर्ट ने कहा था। और इससे पता चलता है कि वो राज्य सरकार जिसे इतनी देर से आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं शांतनु, वो किस तरीके से इस पूरे मामले में बेनकाब हो चुकी है। आइए चौधरी साहब। रुमाना जी, ये बीजेपी के लोग उस पीड़ित बच्ची के मरने का इंतजार कर रहे हैं। पूछ रहा हूं, जब डॉक्टर ने ये कह दिया कि मेरे पास में यहाँ फैसिलिटी नहीं है, मैं अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, तो इनको तुरंत एयरलिफ्ट करा करके उसको एम्स में लाना चाहिए और बेहतर ट्रीटमेंट देना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट अपने निगरानी में इस केस को चलाए, तब संभव है कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा। वरना यहाँ हत्याएं होती रहेंगी और बीजेपी और सरकार के लोग बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना क्या कहा देवाशीष जी ने? यहाँ पर चौधरी साहब ने ये कहा है कि उस लड़की को इस वक्त इलाज की जरूरत है, एम्स क्यों नहीं शिफ्ट करा रहे हैं उसको, इतना बता दीजिए सर। एम्स कब शिफ्ट कराएंगे, दिल्ली कब शिफ्ट करेंगे, हर तरह का सर क्यों सुविधा उपलब्ध कराने की हमारी तैयारी है सर? अब तक क्यों नहीं शिफ्ट किया सर? क्योंकि सुबह सर, सुबह हम अपने रिपोर्टर से बात कर रहे थे सर। सर लड़की की बात हो रही है सर, लड़की की जिंदगी पर बनी हुई है सर, प्लीज मत कीजिए राजनीति। प्रेम शुक्ला जी बड़े शर्म की बात है, उन्नाव की बेटी की जिंदगी का मामला है और आप अतुल राय पर आपकी सुई अटकी हुई है सर। इनकार करें, उन्नाव की बेटी की जिंदगी बचे इसके लिए कोई प्रयास आपकी तरफ से होता हुआ नजर नहीं आ रहा। समय मेरे पास उतना ही है सर। गोद में बिठा कर रखो सर उस विधायक को, बहुत बढ़िया, गोद में बैठा कर रखो आप लोग उस विधायक को। कार्यक्रम देख रहे थे आप संविधान की शपथ। आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है। देखिए लोकतंत्र कैसे चलता है, लोकलाज से चलता है। मैं यहां पर कोई अदालत लगाकर नहीं बैठी हूं, लेकिन मैं इस संविधान के दायरे में अपनी चर्चा करती हूं। और ये जो संविधान है ना, ये कहता है कि नैतिकता मर्यादा उसका लिहाज किया जाना चाहिए, लोकतंत्र को लोकलाज से चलना चाहिए। अदालत का फैसला आना बाकी है, ये हम सब जानते हैं। यहां पर हम अदालत नहीं है ना फैसले सुना रहे हैं, लेकिन मेरी राय साफ ये कहती है कि बीजेपी को अदालत का फैसला आने से पहले कम से कम इस आरोपी विधायक को
पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। निलंबन से काम नहीं चलेगा, निष्कासित करे बीजेपी सेंगर को पार्टी से।